वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वी एस एम जे फूड एवरीथिंग डैश योर डैश। दोस्तों आज हम आ गए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आजकल जैसे कि आपको पता है कि दावतों के सीजन चल रहे हैं, डेली कोई ना कोई ईद के बाद दावतें चल रही हैं, तो आज हम दावत स्पेशल की सीरीज़ में एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे निहारी। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है, जल्द बन के तैयार हो जाती है, और एक स्पेशल सालन है जो कि मेहमानों को या दावत वगैरह में बहुत ज़बरदस्त सा एक आपके दस्तरखान को रौनक कर देता है। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम एक अदद पतीली ले लेंगे। आपने थोड़ी सी गहरी लेनी है पतीली, और इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। अच्छा, ऑयल निहारी के अंदर ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपने काफ़ी ज़्यादा डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 2 कप इसके अंदर ऑयल लिया। तो देखें, हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर इस तरह से आपने प्याज काट लेनी है, और ये प्याज इस ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं हमारे प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए हम इनको नहीं उतारेंगे, ब्राउन होने तक हम इनको पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे आपने ये प्याज उतार लेनी है। इस तरह से आपने इनको ब्राउन कर लेना है। तो अब हम इनको डालेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपने ब्राउन कर लेना है प्याज, और अब हम इन्हें थोड़ा सा खिलाकर और साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़े से कड़क हो जाए। अब ये देख सकते हैं जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर उसी ऑयल में हम अपना बीफ भी डालेंगे। बीफ को देखें अच्छी तरह से धो लिया और ये साफ़ कर लिया था, आपने इसी तरह से साफ़ कर लेना। अब इस ऑयल के अंदर हम अपना सारा बीफ ऐड कर देंगे। मज़ेदार सी बीफ में आई हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो आप देख सकते हैं कि अब हम इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर निहारी मसाला ऐड करेंगे। आपके पास जिस भी कंपनी का निहारी मसाला हो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर निहारी मसाला ऐड कर दिया, और अब हम इसे निहारी मसाला डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ तक कि हमने इसको भूनना है कि ऑयल और निहारी मसाला चिकन जो हमारा मसाला है वो ऑयल छोड़ दे, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी हमारी निहारी तैयार नहीं हुई। अभी आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि बीफ, आपका मसाला और आपका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल बिल्कुल मसाले को छोड़ देगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। देखा, अभी भी ये छोड़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसमें वेटनेस है। तो बिल्कुल जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसको ऑयल इसका थोड़ा सा निकाल लेंगे गार्निश के लिए, और बाकी हम फिर बीफ के अंदर पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। तो अभी वेट करते हैं ऑयल सेपरेट होने का। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए इस पॉइंट पर। ये देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारा मसाला देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जब हम निहारी को उतारेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे ऑयल। तो इस तरह से आप एक अदद कटोरी ले लें और उसके अंदर इस तरह से आप ऑयल सेपरेट कर लें। तो ये देख सकते हैं हमने ऑयल इसका सेपरेट कर लिया। हमने 2 कप डाला था जिसमें से 1 कप हमने सेपरेट कर लिया, 1 अंदर ही। अब ये देख सकते हैं, अब इसके अंदर आप आराम से खुला पानी डाल दें ताकि हमारे, अब हम इसको ढक देंगे और वेट करेंगे बीफ के गलने का। 1.5 घंटे बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो जब तक हमारी निहारी रेडी हो रही है, बस हमारी रेडी होने वाली है निहारी, हम तब तक हमने जो है आपने आटा ले लेना है। फ्लोर आपके पास कोई भी मौजूद है आप ले सकते हैं निहारी को गाढ़ा करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया, और इसके अंदर मैं आटा डालूंगी। अभी फिलहाल वक्त मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर लम्स ना बने। एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आटा मैंने यहाँ पे लिया है ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, इसे मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था एंड फिर लिया है। इसी तरह आप भी इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके और फिर आटा इसके अंदर डालेंगे ताकि कच्चापन आटे का वो ना आए। जिस तरह से हम नट्स को रोस्ट करते हैं, इसी तरह हल्का सा आटे को भी आपने इस पॉइंट पर रोस्ट कर लेना है पानी में इसको मिलाने से पहले। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब ये थोड़ा सा पतला है तो मैं इसके अंदर और आटा डालूंगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करना है और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो ये देख सकते हैं हमारा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपनी निहारी में इसको ऐड करने, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है पेस्ट, और चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे इसे। ये देख सकते हैं अब ये पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे कि जो हमने इसके अंदर आटा डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा जो हमारी जो निहारी है उसका टेक्सचर ठीक हो जाए। तो हम 5 से 7 मिनट वेट करते हैं इसके बॉयल होने तक का, एंड फिर मिलते हैं। तो जनाब देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी निहारी बनकर तैयार हो चुकी हुई है, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर जो हमने ऑयल सेपरेट किया था वो ऊपर से डालेंगे, और जो हमने प्याज तली थी वो डालेंगे, और फिर हम अपना गार्निशिंग का सामान बनाकर आपके साथ इसका फाइनल लुक शेयर करेंगे। बेस्ट पार्ट होगा इस निहारी का गार्निशिंग का। तो जनाब ये देख सकते हैं जो हमने ऑयल सेपरेट किया था वो बाद में आप इस तरह से डालेंगे, तो ये निहारी का हमारा माशाल्लाह से परफेक्ट लुक आएगा। अब जो हमने प्याज स्टार्टिंग में फ्राई किए थे वो प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारी परफेक्ट निहारी बनकर तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए सामान आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो बस जनाब जल्दी से हमने अपनी निहारी को डिश आउट कर लिया है,
और यहाँ पे हमने जो प्याज तली थी वो हम इसके अंदर डालेंगे, धनिया डालेंगे और धनिया से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। और लीमू इसके अंदर आपने निचोड़ लेना है, जब आप खाना चाहें नान के साथ आप इसे तनावल फरमा सकते हैं। तो ये थी हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।